हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं हरबीर सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। मॉर्निंग न्यूज़ में आज मैं आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट खबरें बताने वाला हूं। सबसे पहले 9,000 नई वैकेंसी आने वाली हैं जल्दी ही। इसके बाद दिल्ली में भी नई वैकेंसी आने वाली हैं, जिसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। इसके बाद साथियों, और शिक्षा से जुड़ी हुई जो खबरें हैं मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय, इसमें जो खेल कोटे से एडमिशन होता है उसमें बदलाव की उम्मीद है। अब देखते हैं कि क्या होता है अगर आप खेल कोटे से वहां पर एडमिशन लेने वाले हैं, तो ये खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी बदलाव होगा तो आपको बता दिया जाएगा। इस बदलाव पर विचार किया जा रहा है कि क्या बदलाव किया जाए। इसके बाद साथियों, खबर आ रही है हरियाणा से, मतलब HBSC है जो, वहां से खबर आ रही है। क्या खबर है मैं बता देता हूं आपको। मुफ्त वर्दी और खाना मिलने के बाद भी सरकारी स्कूलों में बच्चे स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। मतलब सरकारी स्कूल में फिर भी बच्चे नहीं पढ़ रहे, मुफ्त वर्दी मिलने के बाद भी, खाना मिलने के बाद भी, और फ्री एजुकेशन मिलने के बाद भी। तो ये एक विचार करने वाला विषय है। पिछले 10 वर्षों में 13.7% बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आने वाले समय के लिए। अध्यापक, सरकारी अध्यापक हर कोई बनना चाहता है, लेकिन बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। ये सोचने वाली बात है कि इसका जिम्मेदार कौन है। अध्यापक जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेवार है, या जो स्कूल में अध्यापक है वो जिम्मेदार है। तो साथियों, आप इस पर भी कमेंट जरूर करें। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आ रहा है। अगर आप हरियाणा से हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो बोर्ड की क्लासेस होंगी उनमें परीक्षा होगी, एक विषय में अगर कंपार्टमेंट है तो चल जाएगा। अगर दो विषय में आपकी री आ जाती है, आप फेल हो जाते हैं, तो आप फेल माने जाएंगे। एक विषय में फेल होने पर कंपार्टमेंट मिलेगी, दो विषय में फेल होने पे आप फेल माने जाएंगे। तो ये खबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये नकेल कसने के लिए जो शिक्षा का गिरता हुआ स्तर है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पहले 8वीं कक्षा तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता था, लेकिन 5वीं और 8वीं कक्षा में दोबारा से बोर्ड लागू किया जा रहा है और ये एक अच्छा स्टेप माना जा रहा है। इसके बाद साथियों, बात करते हैं दिल्ली के अंदर जल्दी ही नई वैकेंसीज के लिए स्टेप लिया जाएगा, जिसमें आप सभी साथियों का सहयोग जरूरी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन इस चीज की मिलती रहेगी। तो जो साथी सीटेट क्वालिफाइड है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, या जो साथी किसी कारणवश जो एग्जाम हुए हैं उनमें क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वो भी सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद बता देना चाहता हूं साथियों, अगर आप हरियाणा से हैं तो 24 जनवरी दोपहर 12 बजे नेहरू पार्क जींद में मीटिंग हो रही है। जो भी एचटेट पास साथी हैं वहां पर जरूर पहुंचे। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो और बना रखी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी ने भी आश्वासन दिया था कि जल्दी ही टीचिंग पोस्ट आने वाली हैं। तो ये साथी मिलकर वहां पर पूछेंगे प्रशासन से कि अगर आश्वासन दिया गया है तो इतना डिले क्यों हो रहा है, और डिले नहीं है तो कब तक वैकेंसीज आ जाएंगी, और क्या आप इन वैकेंसीज को जल्दी से क्लियर करा पाएंगे। तो साथियों, ये थी खबरें। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें पसंद आई होंगी। तो साथियों, इस वीडियो के अंत में मैं एक छोटी सी वीडियो का एक क्लिप डालूंगा जो दूसरे चैनल की वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। वीडियो है दिल्ली से अमृतसर फ्लाइट का एक्सपीरियंस, कि हम ऊपर से बादलों को कैसे देखेंगे, बादल कैसे दिखते हैं, जमीन कैसी दिखती है, शहर गांव कैसे दिखते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप वहां पर भी मुझे सपोर्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो
तो लाइक जरूर करें। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। बारिश अच्छी हुई है, कल बारिश थी कह रहे थे।